नमस्कार, सत फर्स्ट में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रियंका। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों की एक और कायराना करतूत सामने आई है। दरअसल छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों ने 7 युवकों का अपहरण कर लिया है। नक्सलियों को ये शक था कि ये 7 युवक पुलिस में भर्ती होने वाले हैं और इसी शक के चलते इन नक्सलियों ने 7 युवकों को अगवा कर लिया। आपको बता दें कि ये पूरा मामला जगरगुंडा थाना क्षेत्र का है। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों ने पुलिस में भर्ती होने के शक के चलते 7 युवकों का अपहरण कर लिया है। और तो और, इन युवकों को छुड़ाने के लिए गए गांव के 4 युवक भी अब लापता हैं। बता दें कि ये पूरी घटना 2 दिन पुरानी बताई जा रही है। हालांकि अभी तक इसकी कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ये पूरा मामला जगरगुंडा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार कुदेड़ गाँव में 18 जुलाई की रात हथियारबंद नक्सली पहुँचे थे और स्थानीय 7 युवकों को बंधक बनाकर अपने साथ ले गए। अगवा किए गए सभी युवकों पर नक्सलियों को पुलिस में भर्ती होने का शक था। ये भी बताया जा रहा है कि युवकों को अगवा किए जाने के बाद गांव के 4 अन्य लोग उनकी तलाश करने और उन्हें बचाने के लिए गए थे, पर उनका भी अभी तक कोई पता नहीं चल सका है। आपको बता दें कि इससे पहले 6 जून को नक्सलियों ने सरेंडर कर चुके अपने ही साथी का बीजापुर से अपहरण कर लिया था और 3 दिन बाद वो किसी तरह उन्हें चकमा देकर वहां से भाग निकला और 5 दिन बाद सुकमा की जगरगुंडा थाने पहुंचकर इस पूरी घटना की जानकारी दी थी। उसने पुलिस को बताया था कि अगवा करने के बाद उसे मंडी मरका गांव में रखा गया था। उसने ये भी बताया था कि नक्सली उसे मौत की सजा देने की बात कर रहे थे। इसके अलावा धमतरी जिले में नक्सलियों ने 16 जून की रात को एक युवक का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी थी। नक्सली युवक को उसके घर से अगवा करके अपने साथ ले गए थे। इसके बाद उसके शव को सड़क पर फेंक दिया। बता दें कि पुलिस मुखबरी के शक में नक्सलियों ने इस युवक की हत्या की थी। गौरतलब है कि नक्सलियों के खिलाफ लगातार नक्सल विरोधी अभियान चलाया जा रहा है, जिसके चलते नक्सली काफी बौखलाए हुए हैं और वो आए दिन किसी न किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में लगे रहते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अगली वीडियो में हम फिर हाजिर होंगे कुछ ऐसी ही जानकारी और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए सिर्फ सच के साथ। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि हमारी खबरों का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नमस्कार।